अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो नई प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो है एक नया सोलर MPPT इन्वर्टर। ये कुछ पार्टीज़ पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रही हैं, अभी तो चाइना में ही है। पाकिस्तान में कुछ इंपोर्टर इसको अपने नाम से मंगवा कर अपनी स्टैंप के साथ जो है ना मार्केटिंग करेंगे। इसके दो वर्जन आ रहे हैं, एक 3.5 का है और एक 5.5 का है। 5.5 जो है वो 5,500 वाट यानी कि किलो वाट का जो है वो पैनल सपोर्टेड होगा। और इन दोनों में जो दूसरी खसूसियत है कि RGB के साथ साथ आप इनसे 12 वोल्ट की जो लाइट है वो भी ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, ताकि अगर आपके पास DC लोड चलाना चाहते हो तो उसके लिए भी और इसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए भी। और अगर स्पेसिफ़िकेशन आप इसको रोक के देख सकते हैं कि दोनों की स्पेसिफ़िकेशन जो अभी तक मेरे पास आई हैं वो आपके सामने ही हैं। और अगर इसको जो मैंने इनको चेक किया एज़ कंपेयर जो बड़े ब्रांड हैं फर्नस है, इनवरेक्स है, उनके साथ अगर आप करोगे तो उनके पाए का है। स्क्रीन का साइज़ छोटा है, वो पुराने वाले जो है वो उसी हिसाब से है। RGB लगी हुई हैं, बटन ऑपरेटेड है और इसकी साइड पे जो है ना डस्ट किट लगी हुई है। और आपकी सोलर PV को इन करने के लिए उसका कनेक्शन बैटरी का, बैटरी को जो है ना जो 5.5 है तो वो 4 बैटरी सपोर्टेड है कि 48 वोल्ट का है, और जो 3.5 है 2 बैटरी ऑपरेटेड है। लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं बगैर बैटरी के, और नेट फीडिंग के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखें कौन सा जो है ब्रांड किस ब्रांड के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये अनकरीब लॉन्च होने वाले हैं। और दोनों की स्पेसिफिकेशन और दोनों की जो है ना वो है, और इसके अलावा इसकी फर्स्ट लुक जो है वो मैं इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि पाकिस्तान में अभी क्या लॉन्च होने वाला है। अभी अगर आप इनकी स्पेसिफ़िकेशन की तरफ जाएं तो वो किसी भी बड़े ब्रांड से अच्छी स्पेसिफ़िकेशंस हैं। आप इसको रोक के इसकी डाटा शीट को पढ़ भी सकते हैं और ये देखिए इसकी आउटलुक आ गई है आपके पास। Reviews with Ruralman by Safarats.